दोस्तों मैं माया डियर पेट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि खरगोश इतने शांत क्यों। दोस्तों जब हम अपने घर में किसी पालतू जानवर को लाने के लिए बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि शोर और आवाज़ जो वे पैदा करते हैं। खासकर यदि आप फ्लैटों में रहते हैं तो आपके पड़ोसी आपके घर या फ्लैट में बहुत करीब रहते हैं तो आप इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तोते और डॉग इन पालतू जानवरों में से जो शोर में के मामले में बहुत बदनाम हैं। वे अपने भौंकने चीखने चिल्लाने से बहुत अच्छा खासा हंगामा कर सकते हैं। बिल्ली की म्याऊं भी इतनी बुरी नहीं लगती। दूसरी तरफ मछलियां, खरगोश ऐसे पालतू जानवर हैं जो लगभग कई आवाज़ें करते हैं। लेकिन क्यों खरगोश लगभग कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं कर सकते? अरे दोस्तों, हालांकि खरगोश कुछ आवाज़ें तो करते हैं लेकिन इतनी तीव्रता बहुत ही कम होती है, इसलिए खरगोश इतना चुप रहते हैं। या यह हमने उनकी चुप्पी के पीछे कुछ कारणों को बताया है जो इस प्रकार हैं। पहला, जंगल में खरगोश के बहुत सारे शिकारी होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी आवाज़ बहुत कम रखनी पड़ती है। अगर कोई शिकारी उन्हें सुन भी ले तो उसे खरगोश को खोजने में मुश्किल नहीं होगी। अगर वह अपनी आवाज़ नहीं सुन पाता परंतु यदि वे ढूंढ लिए जाते हैं उनका शिकार किया जा सकता है। एक वयस्क खरगोश यदि भाग भी जाता है तो उसके बच्चों का शिकार होने का डर रहता है, इसलिए खरगोश बहुत कम आवाज़ निकालते हैं। दूसरा, यदि आपका खरगोश एकदम से चुप हो जाता है तो उसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह या तो उदास या फिर अस्वस्थ है। खरगोश एकदम चुप नहीं रह सकते, वह धीमी धीमी तरह की आवाज़ निकालते हैं। एक बार जब आप किसी खरगोश के सामने सामान्य आवाज़ को जान लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कब वह अचानक से मौन हो जाता है। खरगोश अपने व्यवहार में काफ़ी सुसंगत होते हैं। व्यवहार में कोई भी बदलाव किसी बीमारी या दर्द का संकेत हो सकता है। इसके पीछे के कारणों को जानना जरूरी है और जो हो सके तो उसे एक पशु चिकित्सक के पास ले जाइए। दोस्तों खरगोश की चुप्पी को हल्के में मत लीजिए, वे आवाज़ों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद भी करते हैं। अगर उन्हें खतरा महसूस होता है या उन्हें चोट लगती है तो वे जोर से बहुत जोर से चिल्ला भी सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप शायद अपने पालतू खरगोश के मुख से निकलते हुए सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो उन्हें सुरक्षित ज़रूर रखें। यदि आप अपने खरगोश को घुमाने के लिए या खेलने के लिए बाहर ले जाते हैं तो बहुत अधिक सावधानी रखनी ज़रूरी है। घरेलू खरगोश जंगली खरगोशों की तरह इतने सतर्क और तेज नहीं होते, वे आसानी से शिकार हो सकते हैं, प्लीज़ ध्यान रखें। फिर भी खरगोश एक मुक्त प्राणी होता है, ऐसा विशेष कारणों से होता है। उनका जीवित रहना उनकी सुनने की अक्षमता पर निर्भर करता है, ना कि उनकी आवाज़ करने की अक्षमता पर। खरगोश के कान लंबे होते हैं और वे हमेशा सतर्क रहते हैं। किसी भी आवाज़ को सुनने और सतर्क हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि खरगोश अच्छा श्रोता होता है। खरगोश दूसरे खरगोशों और मनुष्यों के साथ संवाद करने के लिए भी कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं। वे अपने शरीर
शारीरिक भाषा से भी संवाद करते हैं। हमें बस उन्हें बारीकी से देखने और उनकी आवाज़ों के अर्थ जानने की ज़रूरत होती है, तभी हम जान पाते हैं कि हमारा पालतू खरगोश हमसे क्या चाहता है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि खरगोश आवाज़ नहीं करते। दोस्तों, यह जानकारी आपको बहुत काम आएगी। अपने खरगोश को लाने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। इस तरह से खरगोश के रहन सहन, खान पान, रोग निदान और अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल डियर पेट की सब्सक्राइब करें और घंटे को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मैं माया, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।